तो हेलो गाइस, हम आज करने वाले हैं पॉकेट एडिशन में माइनक्राफ्ट में 100 डेज सर्वाइव। पहले सबसे पहले हम वुड कलेक्ट कर लेते हैं। फिर हमने क्राफ्टिंग टेबल भी बना दिया और उससे टूल्स भी बना दिए क्योंकि वो आगे जाकर हमारे माइनिंग में काम आए। तो फिर हमें स्टोन के टूल्स हमें दिखाई दे और हमने स्टोन का टूल्स बनाने के लिए तैयार हो गए। तो चलो हम यहाँ से स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। मुझे स्टोन कलेक्ट करते करते रात भी हो गई और ना ही मेरे पास बेड था, तो फिर मुझे यहाँ पर कुछ भी करके ये रात गुजारनी पड़ेगी। फिर मुझे यहाँ पर बहुत सारे कूल देखे, तो मैंने कूल को कलेक्ट करने जा रहा था तभी सामने देखो ज़ॉम्बी है। फिर मैं जल्दी से ये कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, मैं कलेक्ट कर लिया है। ज़ॉम्बी यहाँ पर भी बहुत सारे हैं। फिर मैंने यहाँ से बहुत सारी स्टिक ले ली जो कि मुझे आगे बहुत काम आएगी। यहाँ से मैं स्टोन का वो पिकैक्स ले लेता हूँ और टॉर्च भी कोल की वजह से मैंने 8 ले ली। ओके, मुझे कोल मिले थे तो मैंने अब यहाँ से टॉर्च कर लेता हूँ क्राफ्टिंग टेबल के आगे, क्योंकि ज़ॉम्बीज स्पॉन हुए तो मुझे दिखाई दे। फिर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो मुझे देखो आयरन मिल जाता है, तो फिर मैंने आयरन कलेक्ट कर लिया। बस वहाँ पर एक ही आयरन था और दूसरा भाई मिले। ओके गाइस, दूसरा भी मुझे मिल गया आयरन। फिर मैं आयरन का फुल आर्मर बनने में मुझे मदद होगी। फिर मैं नीचे माइनिंग करने का सोच लेता हूँ और मैं माइनिंग करने लगता हूँ। ओके, गाइस मुझे डे 6 पर आयरन फिर से मिल गया है और यहाँ पर मैं माइनिंग करता हूँ आयरन की। और ये दो ही आयरन होते हैं दो। फिर मैंने आयरन कलेक्ट कर लिया, फिर मैं और माइनिंग करने लगता हूँ। थोड़ी देर में मैं माइन करते करते मेरी पिकैक्स भी यहाँ से चली जाती है, तो फिर मुझे नहीं बनानी पड़ेगी। मुझे माइनिंग करते करते बहुत सारे क्लोबल स्टोन हो गए हैं, उसकी मदद से मैं एक फर्नेस बनाऊंगा और जिसमें मैं अपने आयरन को बहुत सारा बना लूँगा और काम में आएगा। ओके, वो मेरे यहाँ से मैं कोबल स्टोन की मैं पिकैक्स बनाने वाला हूँ। ओके, मैं एक नहीं दो ले लेता हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि काम में आएगी वो। एंड मैं क्राफ्टिंग टेबल तोड़ देता हूँ यहाँ से और मैंने फर्नेस भी बना दिया, तो फर्नेस मुझे काम आएगा। यहाँ से मैं आगे चलकर माइनिंग करूँगा और डे 8 तक मैं यहाँ पर माइनिंग करते करते आ गया और डे 9 में मुझे यहाँ पर आयरन मिल गए। एक मिले, दो और तीन और चार आयरन मुझे मिल गए यहाँ पर। फिर मैं आयरन से पूरा आर्मर का स्ट्रम बनाऊँगा। यहाँ से आर्मर में कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं फर्नेस में आयरन मैंने पका कर रख दिए है और दूसरे आयरन में मुक देता हूँ। फिर मेरे पास 4 और 4 8 आयरन हो गए। फिर मैं फिर से मैं माइनिंग करता हूँ डी 10 में। फिर मेरे पास 8 आर्मन हो गए थे, तो मैं चेस्ट प्लेट बना देता हूँ आयरन के लिए। और ये देखो गाइस, मैंने चेस्ट प्लेट बना दिया है आयरन में। गाइस देखो, ये मेरा पार्ट 1 था और पार्ट 2 जल्दी ही आएगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए।